एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और सारे भाई फिट होंगे। अभी गाइज हमने एक चीज सोची है कि अपनी गाड़ी में अब अपने को कराना है पेंट या फिर रैप, जो आप कहते हो वो कराने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी में मतलब अच्छी खासी मॉडिफिकेशन कर ली है, बहुत सारी चीजें एड ऑन कर ली है, पर कहीं कहीं पर गाड़ी में जो है मेजर डेंट्स हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि रैप करवाना अच्छा रहेगा या फिर गाड़ी को पूरा पेंट करवा लें। आप सब जानते होंगे ये एक ऐसा टॉपिक है भाई, कोई उठाता नहीं एकदम से, और मतलब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार देखो इतना टाइम हो गया गाड़ी को, पेंट कराने में फायदा रहेगा या रैप कराने में फायदा रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं मन में, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के, तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। अब देखो इतना टाइम हो गया गाड़ी को, 6-7 साल हो चुके हैं, तो अब सोच रहा हूँ कि एक बार पेंट करवाऊँ या फिर रैप करवाऊँ। मेरे को मेजर काम ये है ना कि गाड़ी से डेंट निकलवाने हैं। डेंट आपको दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे डेंट, और ये डेंट ही एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे और भी कारण हैं, वो भी आपको बताऊँगा। और मैक्सिमम हम भाइयों के साथ होता है ऐसी है ना, हमारी गलती ना भी हो, गाड़ी खड़ी हो, अगर कहीं हिट हो गई, कोई मार के चले गया, उसके बाद फिर यार कुछ टाइम तक तो चलो चल जाता है, पर जब धीरे धीरे उसमें पैसा लगा के हम काम करवाते हैं और फिर वो जो डेंट है ना वो बड़ा बेकार लगता है। मतलब समझ रहे ना, पैसा लगा के मॉडिफिकेशन करवाते हैं गाड़ी में, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लगाते हैं, उसके बाद फिर पूरी गाड़ी अच्छी लगती है, बस जहाँ पे वो डेंट होता है वहाँ पे वो स्क्रैचेस जो होते हैं ना बड़े बेकार लगते हैं। तो वो चीज़ को सही करना पड़ेगा। बस आज दोनों चीज़ों का एस्टिमेट है, पूरा आपको मैं प्राइस बताने वाला हूँ कि अगर आप ओरिजिनल पेंट करवाते हो, मैं यहाँ लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ओरिजिनल पेंट करवाते हो प्लस गाड़ी में सारा काम करवाते हो वो कितने का होगा, या अगर आप खाली रैप करवाते हो डेंट निकलवाते हो वो कितने का होगा। बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो मतलब मेरे हिसाब से इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी जैसा आप लोग कहोगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपनी गाड़ी के डेंट दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ पे मेजर डेंट है और मुझे कहाँ पे जो है पेंट या रैप कराने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई एक तो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर डेंट है, मतलब यार ये हुआ ऐसा था ना, इसका मैं क्या स्टोरी बताऊँ आपको, पर बहुत भयंकर लगी। देखो ये पूरा पार्ट जो है ना ख़त्म है यहाँ से, तो ये चीज़ अपने को ठीक करवानी पड़ेगी, ठीक है। और ये पूरा इम्पैक्ट यहाँ से अगले दरवाजे तक गया था, पर फ्रंट वाला मैंने थोड़ा बहुत मार के ठीक कर दिया था, पर पीछे का तो अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे बहुत भयंकर ही लगी हुई है। इसके लिए पूरा ये पैनल ठीक होगा, क्वार्टर पैनल भी शायद होगा ठीक, और ये पूरा दरवाज़ा ठीक होगा। तो ये तो एक मेन काम है। उसके बाद गाइस जो ये मिरर का कलर है ना, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट है, अपनी गाड़ी का जो कलर है थोड़ा ऑफ है, और इसका जो थोड़ा अभी नया नया लग रहा है, तो इन दोनों को एक साथ मैच करना भी ज़रूरी है क्योंकि अजीब सा लग रहा है। या तो उसको पूरा ब्लैक कर देंगे, पर ब्लैक करके उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना भी वाइट में लग रहा है, तो वाइट मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इसको हम वाइट ही करेंगे पूरा कंप्लीट। उसके बाद गाइस एज सच मेरे क्वार्टर पैनल्स और फ्रंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक डेंट है, अब इसको मैं देखूंगा अगर मौका लगेगा तो निकलवाऊंगा, वरना ये कोई बहुत ऐसा मेजर इशू नहीं आएगा इसमें। फ्रंट बम्पर की बात करें तो अभी तो बम्पर पूरा नया पेंट हो रखा है पूरा अच्छे से, और इसमें कोई भी ऐसे मतलब पेंटिंग की ज़रूरत है नहीं, ना कि रैप की ज़रूरत है, बिल्कुल सही लग रहे हैं दोनों। अभी बात करें इस वाले क्वार्टर पैनल की, तो इसमें ज़रूरत है भाई पेंट की या फिर जो भी आप करवाएं, जो रैप, वो दोनों में से किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर क्वार्टर पैनल डैमेज है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख सकते हो अब यहाँ पे लगी हुई है इसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस साइड के दरवाजे की बात करूँ तो ये नॉर्मल से स्क्रैचेज हैं, इसके तो हम पूरा कवर कर लेंगे। इस दरवाजे में भी ज़रूरत है डेंटिंग की, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मतलब पीछे के दोनों साइड के दरवाजे में प्रॉब्लम है, तो इनको ठीक करना ही है। ये वाले क्वार्टर पैनल में भी थोड़ा सा यहाँ से ना एक लाइन जैसी आई है, इसमें भी डेंट है, कोशिश करेंगे इस डेंट को भी क्लियर आउट कर दें, ये भी निकाल दें, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें काम है। पीछे वाली साइड तो मैंने ऑलरेडी इसमें विनाइल लगा रखी है, तो अभी आप देख सो ये तो बिल्कुल सही लग रही है। हाँ, इसमें जो डेंट थे मैंने निकलवाए नहीं थे, इसी के ऊपर से लगवा दी थी विनाइल, तो स्टिल सही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और अभी इसको कम से कम 3-4 महीने तो हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा हुआ चुके हैं, तो इसी को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि पूरी गाड़ी में जो है विनाइल ही इंस्टॉल करेंगे। बाकी और तो कोई इसमें मेजर डेंट है नहीं, ऐसा ना मेजर इशू है, बस 2-3 पीछे के दरवाजे में दिक्कत है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो इंडिकेटर की स्पेस छूट रखी है ना, हम इसको पूरा कवर अप करने वाले हैं, यहाँ पे पूरी शीट लगा के, मतलब ये पैनल जो है ना बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, तो मतलब लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे इंडिकेटर लगा था। ये चीज़ मुझे करवानी है कि ये अच्छा लगता है, बट अगर इसको निकालने बिल्कुल प्लेन रहे तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ऐसे इसमें कुछ ज़रूरत है, मैंने आपको दिखा दी कहाँ कहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें पेंट करवाने की या फिर डेंट निकलवाने की। अब अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, कितने की इसमें कॉस्टिंग लगने वाली है, तो देखो भाई ऑल्टो जो है छोटी गाड़ी रहती है, और अगर मैं इसका ओरिजिनल पेंट करवाता हूँ कंपनी से, जो मैंने इसका एस्टिमेट निकलवाया था वो अप्रॉक्स 35,000-40,000 के बीच का था, जिसमें डेंट और पेंट दोनों था। और अगर मैं वैसे आउटसाइड लोकल की बात करूं तो लोकल में भाई ये काम जो है 25,000-30,000 का हो सकता है, पर देखो 25,000-30,000 में क्वालिटी में फ़र्क आएगा, पेंट की क्वालिटी अलग रहेगी, और वर्कर मतलब देखो डेंट निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं हो तो बाहर निकाल सकते हैं, पर मेन जो होती है पेंट की क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी जो है कंपनी की अच्छी मानी जाती है। और एक चीज़ और है,
अगर मैं इसमें पेंट करवाता हूँ तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत मतलब डाउन होती है, रीसेल वैल्यू डाउन होती है। हालांकि अब इसको मेरे को बेचना नहीं है, फिर भी इसकी वैल्यू जो है थोड़ी डाउन हो जाती है। उसके बाद अगर मैं इसमें टाइमिंग की बात करूँ तो अगर देखो मैं अपनी गाड़ी जो है कंपनी में देता हूँ, कंपनी बोले तो मतलब जो यहाँ मतलब मेन सर्विस सेंटर है मारुति का जहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, वहीं मेन वाला होता है, वहाँ देता हूँ, तो वहाँ मुझे उन्होंने एक महीने का टाइम दे रखा है इसका। तो मेरे हिसाब से गाड़ी एक महीने तक वहाँ खड़ी रहेगी, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं बाहर करवाता हूँ तो कोशिश करूँगा कि मैं उसको 10 दिन के अंदर निपटा दूँ, पर कंपनी में तो मेरा कोई ऐसा रहेगा नहीं कि यार अभी मेरे को अभी चाहिए गाड़ी चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी होंगी लाइन से। तो ये एक मतलब इशू मुझे लगता है अगर मैं इसको पेंट करवाता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ विनाइल के बारे में, देखो विनाइल में क्या है, विनाइल में सिर्फ आपको डेंट निकलवाने का मेन काम है। अगर डेंट अच्छे से निकल जाए, एक बार क्लियरली सब निकल जाए, तो आपकी जो शीट है ना बहुत ही प्यार से लगने वाली है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। और विनाइल लगाने में सबसे अच्छा बेनिफिट गाइस मुझे ये लग रहा है कि एक तो बहुत ही जल्दी काम होगा, ये आप मान के चलो से मुझे डेंट निकलवाने, एक दिन में मैं पूरे डेंट निकलवा दूँ गाड़ी में आराम से, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, मैंने बात कर रखी है ऑलरेडी। तो इसके साइड डेंट जो है पूरी गाड़ी में जो है डेंट्स वगैरह निकल जाएंगे, 4,000 के आसपास सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विनाइल की कॉस्टिंग रहेगी 7 से 8,000 रुपये की, तो मतलब ये आप मान के चलो 15,000 में पूरा काम हो जाएगा। अब देखो अगर आपका अच्छा खासा बजट रहता है, थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, तो आप विनाइल की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। बट फिलहाल गाइस मेरे को एक अच्छी खासी विनाइल की शीट मिल रही है, और मतलब ठीक है उसकी क्वालिटी भी मुझे सही लगी है, मैं भी उसको यूज़ कर रहा था कुछ टाइम से, सही है, थोड़ी बहुत थिक है, ज़्यादा थिक नहीं है वो। तो उसके लिए बॉडी हमें बिल्कुल पेंट करवानी ही पड़ेगी, मतलब डेंटिंग का काम ज़रूरी ही है गाड़ी में। तो मेरे हिसाब से मैं या तो विनाइल पर जा सकता हूँ और या फिर पेंट में, पर मैं पर्सनली बोलूँ मुझे विनाइल कराने का ज़्यादा मन कर रहा है, बाकी जैसा आप लोग कहोगे। क्योंकि देखो पेंट हर कोई करवाता है और पेंट का आपको कंसेप्ट दिख जाएगा, बहुत सारी वीडियोस में दिख जाएगा, बट अगर गाड़ी में विनाइल होगी तो शायद से मेरे ख्याल से एक नई चीज़ होगी, और ट्राई करेंगे देखते कैसा रहता है। और आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि अगर आप भी करवाना चाहते हो तो आपको कैसा इसमें रिस्पांस मिलने वाला है, कुछ टाइम बाद वो कैसा वर्क करती है, और टोटल कितनी कॉस्ट बोलेंगे भाई अब इसका कलर चेंज करवाओ, मतलब कोई और कलर में करवाओ। देखो मन मेरा भी है, ऐसी बात नहीं कि कलर व्हाइट अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, पर यार देखो अगर मैं गाड़ी का कलर चेंज करवाता हूँ उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मुझे इसकी RC में जो है कलर चेंज करवाना पड़ेगा, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप देखते होगे ना वीडियोस तो RTO जो है विनाइल में ऐसे पूरी परमिशन नहीं देता कि वो RC में मेंशन कर देगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्परेरी होती है। तो मतलब ये है कि चोरी छुपे काम चलेगा, जब तक अगर किसी ने रोकी नहीं गाड़ी तब तक चल रही है, अगर किसी ने रोक ली तो उसी टाइम पे चलान वगैरह सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखो कलर चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है, सपोज आप कोई एक्सीडेंट करके भाग रहे हो और आपकी गाड़ी एक वाइट कलर की है और सडनली आपने विनाइल निकाल दी और गाड़ी अंदर से काले रंग की निकली, तो मतलब एक बहुत बड़ा मतलब मिसलीडिंग वाली चीज़ हो जाएगी ना। इसलिए जो ये है RTO इसमें जो है RC में मेंशन करके नहीं देता। हाँ अगर मैं पेंट करवाना चाहूँ तो पेंट हो सकती है गाड़ी, बट गाइस करंटली मेरी गाड़ी जो है उत्तराखंड में है और इसका जो नंबर रजिस्टर्ड है वो गाजियाबाद का है, तो मुझे वहीं जाके इसका पूरा प्रोसेस लेना पड़ेगा और 3-4 दिन का वहाँ भी काम रहेगा। तो मतलब ये आप मान के चलो मैं पूरा कलर चेंज नहीं करवाऊंगा गाड़ी का। हाँ देखो प्योर वाइट भी नहीं लूंगा, विनाइल लूंगा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना कि थोड़ा सा ऑफ वाइट आता है या फिर सिल्वर, मतलब कॉम्बिनेशन आते हैं वाइट में भी, तो मैं उसमें जा सकता हूँ। पर हाँ अगर मैं पेंट करवाऊंगा तो फिर मुझे बिल्कुल स्टिक रहना पड़ेगा कि जो कलर है उसी में होगा, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है सबके। तो वैसे आज की वीडियो में आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, आप यहाँ पे एक लेआउट करिए क्या आपको देखना है आगे। और उसके बाद भाई एक चीज़ और बड़ी मस्त आने वाली है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो पहले पेंट काम करवाएंगे फिर वो काम करेंगे, एंड डेफिनेटली गाइस आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, और उसमें एक बहुत बड़ा गिवअवे भी है, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है, अभी जब आप देखेंगे ना धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, और मतलब मज़ा आने वाला है आगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिलहाल आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में क्या करवाना सबसे अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से तो देखो भाई मैं अभी विनाइल पर ही जा रहा हूँ, जहाँ तक है 1-2% चांसेस है कि मैं अगर पेंट पे शिफ्ट कर लूँ, पर मेरा पूरा मन जो है ना विनाइल पे, क्योंकि बजट में भी हो रहा है, और देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है, कितने टाइम तक वो चलती है। अगर देखो अगर अच्छी नहीं चलेगी तो अपन फिर पेंट करवा लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। तो एक बार विनाइल भी ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है, बाकी सब आप बताइएगा कैसा करना है मेरे को। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।